वेलकम टू माय आर्ट्स एंड हाउस व्यूअर्स, मैं हूं आर्किटेक्ट शांतनु। आज हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न बट सिंपल हाउस डिज़ाइन, स्मॉल हाउस डिज़ाइन, टू बेडरूम हाउस डिज़ाइन। सो ये फ्रंट साइड और राइट साइड, बैक साइड में कोई वेंटिलेशन नहीं है, और जो ये हमारा लेफ्ट साइड है इसमें हम वेंटिलेटर और विंडो प्रोवाइड किया हूँ। और फ्रंट साइड में इस तरह हमें डिज़ाइन देखने मिलेगा, शानदार हाउस डिज़ाइन। ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा, वो हम इसका जो कॉस्ट आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट हम देखेंगे एक इस हाउस बनाने के लिए हमें टोटल जो जगह का ज़रूरत होगा वो 17 फीट बाई 24 फीट। ओके, टोटल 400 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन है, और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कम खर्च आएगा। हम देख लेंगे उसका कितना खर्च आएगा। 17 फीट बाई 24 फीट, 408 स्क्वायर फीट, और पर स्क्वायर फीट में हमें यहाँ पे 1200 करके लगेगा। टोटल 489,600 अमाउंट यहाँ पे हम खर्च आएगा। और इतना अच्छा घर बनाने के लिए ओनली आप 5 लाख में ये घर बना सकते हैं। ये टॉप व्यू है, टॉप से हमें इस तरह देखने मिलेगा, शानदार डिज़ाइन किया गया है। ये मामटी रूम है, और उसका अपोजिट साइड में हमने उसका डोर प्रोवाइड किया हूँ। सो हम पहले देखेंगे जो मामटी रूम है, इसको भी हम सेक्शन करके देखेंगे। यहाँ पे हमने स्टेयर कैसे प्रोवाइड किया हूँ, ये स्टेयर हमें 2 फ्लाइट का दिया है, फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट स्टेयर। टोटल हमने जो लेंथ रखा हूँ इसका डिटेल्स अगर देखना है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने डिटेल्स डिस्कशन किया हूँ। इसमें हम ओनली इसका जो एलिवेशन है 3D पोर्शन हमने डिस्कशन कर रहा हूँ, और अंदर में जो 2 बेडरूम हमें मिल रहा है ये इसका डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। पहला ही एंट्रेंस, और एंट्रेंस के राइट साइड में हमने स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ। ये हमारा मेन डोर है, ये मेन गेट, और एंट्री होते हुए हमें राइट साइड में स्टेयर, और जैसे ही सीधा आएंगे हम पहले पहुंचेंगे हमारा लिविंग रूम या हॉल रूम, लिविंग कम डाइनिंग रूम। इस तरह हमें फ्रंट में मेन गेट होते हुए, ओके। सो अब हम देखेंगे इसका डायमेंशन। जो हॉल रूम है, ड्राइंग कम डाइनिंग, इसका साइज 9 फीट 6 इंच, और इस तरफ हमें मिल जाएगा इस फेस में 7 फीट 9 इंच का, और जस्ट कॉर्नर में हमने डाइनिंग के मतलब साइड में हमने किचन स्लैब दे के रखा हूँ, छोटा सा बस किचन स्लैब ही रखा हूँ। जगह बहुत ही छोटा है, 17 फीट बाई 24 फीट का जगह है, सो उस हिसाब से इसका हाउस प्लान बनाया गया है। फिर भी मैंने दिखा देता हूँ जो यहाँ पे स्लैब होगा, टोटल जो स्लैब है ये 4 फीट 9 इंच, इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैंने इतना सा ही दिया हूँ, छोटा सा है, गेस्ट टेबल यहाँ आराम से आ जाएगा और मॉड्यूलर किचन भी बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो स्टडी रूम है, 2 बेडरूम में एक मास्टर बेडरूम और एक स्टडी बेडरूम दिया गया है। ये हमारा स्टडी बेडरूम है जिसका साइज 9 फीट 6 इंच बाई इस तरफ हमें मिल जाएगा 8 फीट है, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे हमारा जो मास्टर बेडरूम दिया गया है, एक ही विंडो प्रोवाइड किया हूँ, बैक साइड में बिल्कुल मैंने बंद किया हूँ, अगर आप चाहेंगे तो विंडो दे सकते हैं।
जिसका साइज 8 फीट 6 इंच बाई लंबाई में है 12 फीट 3 इंच, काफ़ी अच्छा है। और नेक्स्ट हम चलेंगे हमारा जो एक ही टॉयलेट दिया गया है, टॉयलेट एंड बाथरूम, सो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें भी हमने एक वेंटिलेशन दिया हूँ 2x2 का, और जो हमारा टॉयलेट है इसका डोर बिल्कुल फ्रंट में दिया गया है, 2.5 फीट बाई 7 फीट का डोर। और टॉयलेट का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है, लंबाई में हमें मिल जाएगा 8 फीट 6 इंच बाई इस तरफ हमें मिलेगा 3 फीट 6 इंच का है। सो व्यूअर्स, आज का जो 2-बेडरूम हाउस प्लान साथ में जो एलिवेशन दिया हूँ, मतलब ये मॉडर्न 3D हाउस डिज़ाइन, आप लोगों को कैसा लगा डिज़ाइन? मेनली डिज़ाइन कैसा लगा थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ जानना होगा तो ज़रूर कमेंट करें। साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में, काफ़ी सारा हमारा वीडियोज है अपलोड किया हूँ, सो उसको भी आराम से आप देख सकेंगे। और अगर अच्छा लगा तो दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट हाउस प्लांट में।